नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, एक्सप्लोर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अभी जो ये जगह है ये है NIT घाट। यहाँ से मैं गुजर रहा था तो देखा कि एक भुट्टे की दुकान है जो कि ये मतलब सड़क के किनारे में लगी हुई है। और अभी जो है बहुत कड़ाके की धूप है, दोपहर का वक्त है और यहाँ पर खरीदने वाले नज़र नहीं आ रहे हैं, फिर भी ये बैठी हुई है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये मतलब 2 घंटे से बैठी हुई है, मतलब इस धूप में बैठी हुई है, लेकिन इनका खरीदार कोई नहीं है। डेली दुकान लगाती हैं आप? डेली लगता है। आप मतलब थोड़ा देर पहले आप देख रहे थे कि थोड़ा आप मायूस थी, रो रही थी शायद, क्या वजह थी, मतलब ऐसा क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम हुआ था बताइए। नहीं, एक सेकंड मैं इनसे बात कर रहा हूँ, बताइए क्या क्या दिक्कत रहेगा भाई, यही सब बेचते हैं उससे है ना, तो बोलते हैं मना करता है सब। मना करता है भाई। अच्छा, नहीं बेचिए तो गरीब आदमी देखी ना रहे आप, आके तो देख ही रहे हैं कि गरीब आदमी है, धूप में जल रहा है, कोई बिक ना रहा है। अच्छा, कोयला जल गया भाई, कोयला जल गया, कोई खरीदार नहीं है, कोई नहीं है, अब तो देख ही ना रहे, रोज आ रहे हैं ना भैया। हाँ हाँ हाँ, तो एक बात बताइए, यहाँ से जब आप इसको बेचती है उसके बावजूद भी लोग आपको यहाँ से भगाते हैं? भगाते हैं कि बोल, हाँ सबको ठेला उला पेटे के चलते ना भाई आता है। अच्छा, आपसे 100 रुपया मांगे हैं तो आप अभी दीजिएगा, आसाम में कहिए खिलाइए तो अच्छा लगेगा, 10 रुपये के सामने टोकेगा तो अच्छा, हाँ खराब तो लगेगा। अच्छा, आपको लोग भगाते क्यों है यहाँ से? मेरे होटल खुल गया, ऐसे खुल गया, वैसे खुल गया, इससे क्या दिक्कत है भैया? अच्छा, एक हफ्ता से चल रहा है। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं कि आपको मतलब कोई भगाए नहीं, यही ना चाहते हैं आप? हाँ, हाँ भैया, गरीब आदमी कमा रहे हैं तो हम खा रहे हैं, यही पर हैं, निर्भय हैं। बिल्कुल भी, और वैसे लोगों से मैं भी आग्रह करना चाहूँगा कि भाई देखो यार, सबको जीने का हक है, किसी भी गरीब को अभी इतनी धूप में मेहनत करके, और ये भुट्टे की दुकान आप देख रहे हैं कि एक तो ऐसे ही शरीर में जलन हो रही है एकदम धूप के मारे, और इसके बावजूद भी आग के पास बैठकर भुट्टा सेक रहे हैं लोग। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत की जो है, कितना मेहनत का काम है ये। और दूसरी बात यह भी है कि मेहनत के बावजूद भी कोई ख़रीदार नहीं मिलता है, तो मैं यही कहूँगा उन बड़े बड़े मालिकों से, रेस्टोरेंट वाले जो ऑनर हैं, कि आप इन जो बेरोज़गार लोग हैं जो मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं, तो उनका जो है शोषण ना करें, उनको उन पर अत्याचार ना करें, उनको सपोर्ट करें। और अगर आप NIT के आसपास घूमने आते हैं तो जो भी लोग यहाँ पे विजिटर है, मैं चाहूँगा यार कितना तुम तो जानते हैं, भुट्टा खा लेता है, पैसा लेके निकल जाता है। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। कितने का भुट्टा है आपका? 10 का है। 10 का भुट्टा है, एक सेकेंड। कितने खा लेता है, निकल जाता है, आपसे पैसा मांगे तो आप बोलिएगा कि नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, ये लीजिए आप, ये 50 रुपये हैं, ठीक है, आप इसको रख लीजिए। और भुट्टा तो मैं खाऊंगा नहीं आपका, क्योंकि अभी मैं घर से खाना खा कर ही आया था। लेकिन मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग भी भुट्टा खाकर भाग जाते हैं, गरीब का जो है इस तरह शोषण करते हैं, बैठ के आपसे हम पैसा मांगे तो आप कहिएगा ना, पैसा ना रहेगा तो अपना खाइएगा। हाँ, खा लेता सर, निकल जाता है। नहीं नहीं, ये गलत काम मत करो मेरे भाई, अगर भगवान ने आपके हाथ पर सलामत रखे हैं तो काम कर पैसा कमाओ, और किसी का गरीब का जो है उसके रोजी रोटी पर इस तरह का लात मत मारो, और अगर हो सकता है तो सपोर्ट करो। अगर भगवान ने तुम्हें इस तरह काबिल बनाया है तो कुछ पैसे डोनेट करो, उससे तुम छोटे बड़े नहीं हो जाओगे। और मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के जो बड़े रेस्टोरेंट फर्म के लोग हैं या जो भी नगर निगम के लोग हैं, इस पर ध्यान दें, अगर हो सके तो इनके लिए जगह जो है इन पर काम, इनको काम करने दें। ये साइड कॉर्नर की जगह है, ये सेंटर नहीं है, और कोई भी बेचता है यहाँ सामान तो उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बीच में अगर वही ना भैया ना आया दुकान वाला, हम यहीं पर थे तो बुला के ले गया, जिप से आया था, आपसे चोरी हम किए से ना जाएंगे। अच्छा, पुलिस से बात कर रहा है? नहीं नहीं, आप पुलिस वाले, पुलिस जो भी प्रशासन आती है यहाँ पे, आप जो भी घटनाएं होती है, आपको कोई भगाता है चाहे कोई आपके साथ गलत करता है, तो आप खुलकर बताइए, ठीक है? अभी देखिए, बुला के ले गया। अच्छा, पुलिस का आया कि कौन भाई से, हम कहें कि हमारा का मालूम, हम नहीं चिनते हैं। अच्छा, हम चिन्हबे नहीं करते तो हम कैसे आपसे बता दे? नहीं नहीं नहीं, देखिए आप प्रशासन जब भी आती है आपके पास तो आप उनको पूरी घटना बताइए, और कोशिश करेंगे कि हम लोग जब तक मैं इधर काम करता रहूँगा
आता रहूँगा आपसे, आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। अगर कोई परेशानी है तो ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है? परेशानी ना रहता भैया, आप दौर का चूल्हा बीन देते हैं, दौर भुट्टा बीन देते हैं। नहीं नहीं, ये गलत काम है, किसी किसी की रोजी रोटी को आप इस तरह मत मतलब उस पर इस तरह का हरकत ना करें। सबकी अपनी रोजी रोटी है, और आप किसी का चूल्हा बीक दीजिएगा तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा? क्योंकि यही चूल्हा जो है किसी घर परिवार की जो भूख है उसको मिटाता है। तो मैं आग्रह करता हूँ उन तमाम लोगों से जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो किसी का परिवार भी जो है बर्बाद ना करें, और किसी की रोजी रोटी पर इस तरह का जो है हरकत और जो आप कर रहे हैं वो करना बंद कर दें, वरना आपके साथ भी भगवान वैसा ही करेगा, क्योंकि कर्म का फल आपको ज़रूर मिलेगा, एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है मेरे भाई। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, और हो सके तो किसी की मदद तो ज़रूर कीजिएगा।